हंडिया थाना एवं सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम ने बुधवार को मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को भेसकी ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने दोनों के कब्जे से विभिन्न कंपनियों के 43 मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी अनुमानित कीमत 15 लाख रुपए है। पुलिस उपायुक्त गंगानगर अभिषेक भारती ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों में हंडिया थाना क्षेत्र के कटहरा रसूलपुर अंदावा गांव निवासी मनीष पांडेय और इसी का पड़ोसी पीयूष पांडेय है। सर्विलांस सेल प्रभारी गंगानगर उप निरीक्षक सुखचैन तिवारी और हंडिया के प्रभारी निरीक्षक ब्रिज किशोर गौतम की संयुक्त पुलिस टीम ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को भेसकी ओवरब्रिज के पास से दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने दोनों के कब्जे से विभिन्न कंपनियों के चोरी हुए कुल 43 मोबाइल फोन और 700 रुपए नकद बरामद किया है। मोबाइल की अनुमानित कीमत लगभग 12 लाख रुपए है। दोनों के खिलाफ इसके पूर्व भी विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आज दिनांक 3 जुलाई 2024 को थाना हंडिया द्वारा दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। जैसे कि आप जानते हैं, गंगानगर जोन में प्रतिदिन रात्रि चेकिंग की जाती है। रात्रि चेकिंग के दौरान ये दो अभियुक्त जो है संदिग्ध अवस्था में वहाँ पे पुलिस को मिले। इनके जब चेकिंग की गई तो इनके पास से 43 मोबाइल प्राप्त हुए हैं, जो इनके द्वारा चोरी करके अपने पास रखे हुए हैं और जो ये जो हैं उनको मार्केट में जो है बेच देते थे दिल्ली और NCR की तरफ ले जाकर। इन 43 मोबाइल फोन की जो अनुमानित लागत है वो लगभग 10 से 12 लाख रुपये है। और इन दोनों अभियुक्तों के नाम हैं मनीष पांडे पुत्र राम शिरोमणि पांडे और पीयूष पांडे पुत्र राजकुमार पांडे। ये दोनों ही जो है वो थाना हंडिया के ही रहने वाले हैं। अभी इन लोगों से सघन पूछताछ की जा रही है और जो भी इनके साथ में जो और संलिप्त इस अपराध में पाए जाएंगे उनके विरुद्ध में कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इनके विरुद्ध में और भी दो मुकदमे पंजीकृत हैं। जो अभियुक्त है पीयूष पांडे, इसके विरुद्ध में एक मुकदमा दिल्ली में और एक इंदिरापुरम थाना गाजियाबाद में भी जो है पंजीकृत है। इसी प्रकार से मनीष पांडे के विरुद्ध में भी एक मुकदमा 2018 में जो है थाना हंडिया में पंजीकृत है।